करेंगे एबल्स लेमा का प्रूफ, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एबल्स लेमा का प्रूफ कैसे करते हैं। इससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, एबल टेस्ट। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये लेमा है वो टेस्ट है, मतलब कि उस टेस्ट को प्रूफ करने के लिए ना हमें इस लेमा की नीड है। तो इसका ना क्वेश्चन करने में कोई यूज़ नहीं है, बस इसको हमने इसलिए प्रूफ करना है ताकि हम एबल टेस्ट को प्रूफ कर सकें। आपके सिलेबस में भी है ये, प्रूफ करना भी बहुत बार आया हुआ है। आप ऐसा मत समझना कि एबल टेस्ट ही आएगा, एबल लेमा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसको प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एबल टेस्ट को प्रूफ करेंगे। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या कहा है, एबल लेमा की स्टेटमेंट क्या कहती है। If an is a series of positive real numbers, सिर्फ real numbers की हैं, इसका मतलब है ना, ये देखो arbitrary series के लिए होगा। arbitrary का मतलब क्या है, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कितने positive हैं कितने negative हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी real series ले सकते हैं आप, ठीक है। Such that वो किस condition को satisfy कर रही है, कि उसका जो sum है ना, देखो finite terms का जो sum है, it's always bounded by m and m, ठीक है, small m and capital M से वो bounded है। एंड बी एन, अब हमारे पास कोई एक दूसरी सीरीज दी हुई है, सीरीज क्या है, बी एन। बी एन इज ए नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ना हो, ठीक है, ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब कि पॉजिटिव हो या जीरो हो लेकिन नॉन नेगेटिव होने चाहिए, क्लियर। उसके बाद देन हमें ये प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एम बी वन लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू एम बी वन, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन बिलोंग्स टू एन, क्लियर। अब देखो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ क्या है हमारा, प्रूफ में क्या कहा है। सबसे पहले तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है हमें ए वन से लेकर ए एन टर्म्स तक का सम, तो मतलब कि हम यहाँ से एस एन डिफाइन करेंगे पहले। तो एस एन का मतलब क्या होता है, टर्म्स का सम लो, है ना, फिर हम उसकी क्या बनाते हैं सीरीज। तो हम पहले देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, ठीक है, प्रूफ हो गया स्टार्ट, ये प्रूफ करना है हमें। तो पहले हमने यही मान लिया कि एस एन है ना हमारी ये वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एस वन निकालोगे तो ए वन आएगा, क्लियर। एस टू निकालेंगे क्या आएगा, ए वन प्लस ए टू। एस थ्री निकालेंगे तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम आएगा ये। इसी तरह अगर मुझे एस एन निकालना, तो एस एन तो हमारा यही है, फिर अगर हमें एस एन प्लस वन चाहिए तो एस एन प्लस वन दिस विल इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस कहाँ तक, ए एन प्लस वन तक, ठीक है। एस एन माइनस वन और दिखा देते हैं हम, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस वन, क्लियर। चलो अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हमें ना देखो ये प्रूफ करना है, उस पर चलते हैं हम। हमें क्या चाहिए, ये सीरीज चाहिए हमें, समीशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए के बी के, ठीक है। तो हम सीरीज को ओपन कर देते हैं, टर्म्स निकाल दो, तो हमारी क्या आएंगी, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस कहाँ तक, ए इन्फिनिटी तक ही है, तो पहले ए एन बी एन लिख दिया, नहीं फाइनाइट है वही तो, एन तक है, ठीक है, तो यहां तक ही है ये। अब देखो कैसे करेंगे हम, k हो जाएगा ना, ये तो k का इंडेक्स है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, यहां पर k है ना देखो, तो k की वैल्यू 1 टू n तक जाएगी। चलो ये आ गया, अब देखो अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। b के बारे में हमें क्या बता रखा है, नॉन इंक्रीजिंग है, तो b के बारे में तो चलो बाद में देखेंगे। ए वन ए टू ए एन देखते हैं, क्या हम इनकी हेल्प से ए वन ए टू ए एन निकाल सकते हैं। ए वन की वैल्यू तो है हमारे पास, अगर मैं कहूँ और इसकी हेल्प से ए टू को फाइंड आउट करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ए वन से ए वन कैंसिल हो जाएगा, ए टू की वैल्यू क्या आएगी, एस टू माइनस एस वन, ठीक है, ए टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। इसी तरह अगर आपको ए थ्री फाइंड आउट करना है, तो एस थ्री में से एस टू को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट टू टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास क्या बनेगा, एस थ्री माइनस एस टू, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ सकते हैं, है ना। इसी तरह अगर मुझे ए एन फाइंड आउट करना है, तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। आप यहाँ से देख भी सकते हैं हमारे ये एस एन है और ये एस एन माइनस वन है, तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाली जो एन माइनस वन टर्म्स है वो सारी कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास ए एन बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो सारी वैल्यूज आई हैं,
तो क्या आया ए वन के प्लेस पर एस वन बी वन, फिर यहाँ पर आया एस टू माइनस एस वन, साथ में आया बी टू प्लस एस थ्री माइनस एस टू बी थ्री प्लस यहाँ पर आ जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन बी एन। ठीक है, तो इनको थोड़ा ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एस वन बी वन एस टू बी टू माइनस एस वन बी टू, फिर प्लस एस थ्री बी थ्री माइनस एस टू बी थ्री प्लस एस एन बी एन माइनस एस एन माइनस वन बी एन। ठीक है, तो आप एक काम करो, एस वाली टर्म्स थोड़ी एक साथ कर लेते हैं, एस वन इसमें भी है इसमें भी है, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। तो देखो कहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, देखो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारे पास। हम एस वन को इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे पास आएगा एस वन कॉमन लेने के बाद बी वन माइनस बी टू, फिर प्लस एस टू इसमें है और इसमें है, तो बी टू माइनस बी थ्री, एस टू बी टू माइनस बी थ्री। सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगा, एस थ्री बी थ्री बी थ्री माइनस बी फोर, हाँ ऐसे आएगा। प्लस लास्ट में देखना एस क्या बचेगा, एस वन बी वन, इससे पहले वाला कौन सा आएगा, देखो पहले ये वाला आया फर्स्ट ये है, तो ये इससे पहले हमारे पास होगा एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू और साथ में होगा बी एन माइनस वन। ठीक है, इससे पहले ये वाला होगा ना, तो ये वाला तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो हम लिख लेते हैं एन माइनस वन वाला, एन माइनस वन बी एन माइनस वन माइनस बी एन और एक ये बचेगा प्लस एस एन बी एन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ उसमें बी एन कैसी दे रखी है, बी एन है हमारी नॉन इंक्रीजिंग, पता चल गया क्यों है नॉन इंक्रीजिंग। देखो अगर इंक्रीजिंग होती, इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, बी वन लेस देन बी टू लेस देन बी थ्री लेस देन बी फोर ऐसे चलेगा, इंक्रीजिंग का मतलब यही है, इक्वल भी लगा लो चाहे। अब ध्यान से देखना अगर नॉन इंक्रीजिंग है तो हमारे पास बी वन माइनस बी टू क्या आता, नेगेटिव, इसी तरह ये भी नेगेटिव आता, ये भी नेगेटिव आता, तो इनको ना पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब कि जो बीच में प्लस का साइन है उसको मेंटेन रखने के लिए उसने स्टेटमेंट में खुद ही कहा है कि दिस शुड बी नॉन इंक्रीजिंग, क्लियर। और क्योंकि सारी की सारी देखो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो ये वैसे भी पॉजिटिव ही हैं, ठीक है, इनके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ना उसने खुद ही कह रखा है कि ये नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए ताकि हमारा जो ये वाला है हमें ये सारा कैसा दिखे, पॉजिटिव दिखे, क्योंकि टर्म्स को माइनस कर रहे हैं तो वहां से नेगेटिव आने का कोई वो ना रहे। ठीक है, कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में, तो उसने स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके दी है। देन हमें ये प्रूव करना है अब, तो अब हमने ना देखो किसका यूज करना है, ये टर्म आ गई, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ना ये, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। यहाँ पर देखो समीशन ए के बी के, इसकी वैल्यू है ये हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, हाँ देखो यहाँ पर हमारे जो एस एन है वो एम और इस एम इनके बीच में है फॉर ऑल एन। ठीक है, मैंने यह स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख लेना फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर हो जाएगा फॉर ऑल एन के लिए है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप एस वन रख लो तो भी हो जाएगा, एस टू रखोगे तो भी तो होगा, एस थ्री रख लेना फिर भी होगा, फॉर ऑल के लिए है, तो हम यहाँ पर ना सब में यूज करेंगे। देखो जो एस वन है वो भी हमारे क्या है, एम से लेस देन और इक्वल टू है, ये वाला एम यूज कर रहे हैं, फिर एस टू भी एस थ्री भी एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर अगर मैं एस वन के प्लेस पर कैपिटल एम लिखना चाहूँ तो हमारे पास कौन से वाला साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, तो दिस इड बी लेस देन इक्वल टू एम साथ में बी वन माइनस बी टू, फिर नेक्स्ट एम बी टू माइनस बी थ्री प्लस अप टू सो ऑन लास्ट तक। देखो यहाँ पर भी एम आएगा, एम बी एन माइनस वन माइनस बी एन एंड प्लस एम बी एन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सब में से m कॉमन आ रहा है, तो हम m कॉमन ले लेते हैं,
एम कॉम में लेने के बाद बी वन माइनस बी टू प्लस बी टू माइनस बी थ्री प्लस कहाँ तक, बी एन माइनस वन माइनस बी एन प्लस बी एन। तो आपको दिख रहे हैं सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी एक्सेप्ट बी वन, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे इससे नेक्स्ट आएगा प्लस का आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे पहले वाले से कैंसिल होगा, बी एन इससे बी एन से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सारी टर्म्स कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, एम बी वन। यही देखो हमें ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, यही प्रूव करना था। अब बात आती है स्मॉल वाले की, तो स्मॉल वाले में भी ऐसे ही करेंगे, बस साइन हमारा कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या है कि हमारे पास लेस देन का साइन था ना, अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा और एम के प्लेस पर हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल एम आएगा। ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और इसको स्मॉल एम मान लो, ठीक है, सारी जगह स्मॉल एम आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर भी हम स्मॉल एम लिख देते हैं और यहाँ पर हो गया क्लियर। तो ये वाला रिजल्ट भी हमारा होल्ड हो गया। जब दोनों होल्ड हो गए तो हमारी जो थ्योरम है, जो लेमा है, वो प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सम को डिफाइन करना है। सम डिफाइन करने के बाद आप क्या देखोगे कि मेरे को ना चाहिए क्या है, प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूव करना है बीच वाली टर्म है ना वो इन दो नंबर से बाउंड होनी चाहिए। तो हमें बीच वाली टर्म को ओपन कर लिया, बीच वाली टर्म को ओपन करने के बाद हमने जो ए वन ए टू ए थ्री हैं उन सबको सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। एस वन एस टू एस थ्री हमें पता है कि उसने बाउंडेड दे रखा है, बाउंडेड का यूज़ किया, हमारे पास दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ना माइंड में अपने स्टेप्स बना के रखो कि अगर एग्जाम में एबल्स लेमा आया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट देखो एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, अच्छे से लिख लिख के देख लेना दो तीन बार, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो कैसे रखोगे माइंड में, सबसे पहले सम डिफाइन करना है, सम डिफाइन करने के बाद स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखेंगे, हमें बीच वाली चीज की वैल्यू चाहिए तो हम बीच वाली टर्म उठाएंगे, बीच वाली टर्म को ओपन करेंगे, सम की वैल्यू पुट करेंगे। सम की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन गिवन है फॉर सम, ठीक है, सम की जो कंडीशन गिवन है वो सम की कंडीशन को यहाँ पर पुट करना है, हमारा जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से अपना ना पता क्या है, क्योंकि थ्योरम पूरी तो याद होती नहीं है, आपको स्टेप्स याद करने होते हैं, अपने आप ही प्रूव हो जाती है फिर वो, ठीक है। तो आप आराम से कर लेना, इसको लिख के देख लेना और क्लियर हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट करेंगे विच इज़ एबल टेस्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।